हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसकी हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी और उसका हम फोर लेक्चर आज हम पढ़ाएंगे। तो फोर लेक्चर में क्या है हमारा? एल्केन। इससे पहले हमने एल्केन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, आप लोग जा करके देख सकते हो हमारे चैनल पर। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किस में आता है? ये हमारा बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो एल्कीन क्या होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्कीन। एल्कीन एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक मॉलिक्यूल होते हैं और जिनमें हमारे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मेनली इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को एल्कीन कहते हैं या हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n। तो जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n, इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एल्कीन के उन्हें हम बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में एल्केन में क्या था, एक जनरल फार्मूला था जिसके वजह से हम बहुत सारे ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उन्हें फॉर्म कर सकते थे। ऐसे ही इसका एल्कीन में हमारा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n, इससे भी हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। एल्केन्स आर नोन एज ओलिफिन। एल्केन को ही हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो एल्केन होता है, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है इथाइलीन, उसे हम क्या बोलते हैं? इथाइलीन। इथाइलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H6। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया C2H6। H6 मतलब ये दो बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इस पे हमारे दो हाइड्रोजन हो गए C2 और H6। ऐसे ही हमारा दूसरा है एग्जांपल बनब्यूटेन। बनब्यूटेन में का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बनब्यूटेन। ये भी हमारा एक तरह का एल्केन ही है। फिर हमारा अगला एग्जांपल गया है प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन में का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये है हमारा प्रोपाइलीन। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल एल्कीन के। अब हम देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और क्यों होता है? इन इथाइलीन द कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो हमारा इथाइलीन होता है उसमें कार्बन एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें एक हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और कार्बन कार्बन के बीच। तो उसमें क्या होता है कि दो बॉन्ड होते हैं तो एक हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और एक हमारा पाई बॉन्ड हो जाता है। तो वो दोनों मिलकर के एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करते हैं। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाई सिग्मा बॉन्ड और एंड पाई बॉन्ड। ये जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। द सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फॉर्म ओवरलैप sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म वन विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनादर कार्बन। तो इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या रिजल्ट देता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक ओवरलैप जैसा काम करता है, ओवरलैप की तरह। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पर। तो ये ओवरलैपिंग जो होती है यहाँ पर, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
तो इसमें ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक अनादर हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच हो जाते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरलैप आर अनहाइड्राइड पी ऑर्बिटल। तो इसमें पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप जो होते हैं पी ऑर्बिटल में, उन्हें अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप फॉर्म करते हैं। रेमेनिंग एसपी टू ऑर्बिटल फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। तो जो एसपी टू ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम फॉर्म करते हैं या जुड़े रहते हैं। तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर इथाइलिन का। इथाइलिन में क्या है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है और हमारे इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 120 डिग्री और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारे कार्बन और कार्बन के बीच की कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यह है इथाइलिन का स्ट्रक्चर और इसके बॉन्ड लेंथ। अब हम देख लेते हैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर है इथाइलिन का। इथाइलिन में क्या हुआ है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये वाला हमारा हाइड्रोजन है ये ओवरलैप कर गया है एक दूसरे के ऊपर, ये हमारी ओवरलैपिंग है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर हमारा एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो फॉर्म होता है और ये इधर हमारे हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी जनरल प्रिपरेशन, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, जो हमारे एल्कीन होते हैं उसको बनाने के मेथड। तो सबसे पहला हमारा मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके हम एल्कीन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अ मॉलिक्यूल आर वाटर एलिमिनेटेड एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है, जब हम एल्कोहल को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम अल्कोहल को हीट करते हैं, तब हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उससे हमारा वाटर जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारा जो एल्कीन होता है वो हमें मिल जाता है और फॉर्म हो जाता है। इसके जनरल इक्वेशन क्या है, ये है हमारा एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो उसकी प्रेजेंस है, तो यहाँ पर हमारा एल्कीन हमें मिल गया है और हमारा वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया है। तो इसकी प्रॉपर इक्वेशन ये है, ये है पूरा हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में लेंगे हम और हम प्रेजेंस रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तब हमें जो वाटर होगा तब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद तब हमारा वाटर जो होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें एल्कीन जो है वो मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा पहला मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा क्या है, फॉर्म ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, विनाइल क्लोराइड ऑफ रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। जब विनाइल क्लोराइड की का रिडक्शन होता है तब हमारा एल्कीन जो होता है वो फॉर्म होता है। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल के साथ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है और एक हमारा हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा हमारा एक कंपाउंड हो गया, उसके साथ हमने विनाइल क्लोराइड लिया है। तब विनाइल क्लोराइड जब लिया है तब हमें क्या फॉर्म हुआ है, ये एक हमारा प्रोपीन बनेगा, मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो एल्कीन होगा और हमारा एक कंपाउंड अलग बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड, मतलब यहाँ पर एक हैलाइड जुड़ा हुआ है।
तो इसके हमने अल्काइल की जगह पर लिया है CH3MG और हैलाइड की जगह पर ब्रोमाइड लिया है। फिर हमने क्या जोड़ा है, विनाइल क्लोराइड लिया है। जब इन दोनों को रिडक्शन हुआ है तब हमें क्या मिला है, प्रोपीन मिला है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड मिला है। तो यहाँ पर भी हमारा एक एल्किन फॉर्म हुआ है। फिर हम देखते हैं बाय क्रैकिंग ऑफ एल्किन को क्रैक करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा। एल्किन्स व्हेन हीटेड एट 500 to 800 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोज टू यील्ड लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्किन एंड हाइड्रोजन एंड मेथेन। जब हम एल्किन को हीट करते हैं 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में, तब हमारा जो एल्केन्स होता है वो हमारा डिकम्पोज होकर के हमें लोअर मॉलिक्यूलर वेट के एग में एक हमारा एल्किन देगा हमें, और हाइड्रोजन देगा और हमें मेथेन देगा। तो यही यहाँ पर हुआ है कि मैंने एक एल्केन्थ लिया है, एल्किन को डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज कब करेंगे, जब हमारा एयर की एब्सेंस होगी, तब हम उसे एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, एक एल्केन मिलेगा और हमें मेथेन गैस मिलेगी और हमें एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्केन के। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।